नमस्ते सदावत सलेह मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज जजमेंट दिया। मैंने सुबह उस पर लेक्चर डाला था लेकिन वो लेक्चर इनकम्प्लीट इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओरल टिप्पणियों के आधार पर मैंने कुछ कहा था और एक सिद्धांतिक पक्ष रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स आए उन कमेंटों के विषय में हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए, वो कितने महत्वपूर्ण हैं। दूसरा एक चीज़ और जो बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देनी चाहिए कि आखिर रेशियो डिसाइडेंड यानी कि जजमेंट का जो आधार है वो आधार क्या बताया। दोनों पार्टियों ने ही अपने अपने तर्क दिए हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वही वो तर्क दिए गए हैं अपने तरीके के, और जो असेंडिंग अफर्मेटिव ऑर्डर है यानी कि जो जजमेंट बना जजमेंट के पार्ट में भी अपने अपने तर्क दिए गए हैं। हालांकि अभी भी पूरा जजमेंट जिस समय आएगा तो और बहुत सारे टिप्पणी, क्योंकि ये मेरा मानना है कि जजमेंट 400-500 पेज का होगा क्योंकि पाँचों जजेस ने अपना अपना इसमें पक्ष रखा है, तो 70-80-100 पेज का जजमेंट सभी ने लिखा होगा क्योंकि बड़ा केस है। और कई एक जजमेंट चंपकम दुराई राजन से लेकर और अभी तक के जो नागराजन का जजमेंट आया वहाँ तक के सभी पुराने जजमेंट्स का हवाला दिया गया है। यहाँ तक कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में जो हुआ आर्टिकल, उस समय आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, उस समय आर्टिकल 9 और आर्टिकल 10 हुआ करता था डिबेट में, उस पर भी चर्चा की ही होगी। इसलिए जो टिप्पणियाँ हैं उन पर महत्वपूर्ण बात है। मैं सबसे पहले तीन विषय जो सुप्रीम कोर्ट के सामने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के थे, वो तीन विषय क्या थे। पहली बात तो जो सब कोई सुन रहा है वो है क्या इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। हालांकि उस पर तीन जजेस ने कहा दिया जा सकता है, बल्कि पांचों जजेस ने कहा दिया जा सकता है। और दूसरा प्रश्न था कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसमें केवल जनरल कैटेगरी के लिए दिया जा सकता है या SC ST OBC देना चाहिए। कुल मिलाकर प्रश्न यह था कि इसमें SC ST OBC शामिल न करना क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है, क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न था वो अभी मैं कई एक दलित चिंतक जो अपने आप को कह रहे थे या उनकी पार्टियां इस तरह का काम करती हैं उनके बयान सुन रहा था। वो उनका कहना था कि जब 9 जजों की बेंच ने 50% की कैप लगा दी तो फिर 5 जजों की बेंच कैसे उसको 60% पर ले जा सकती है, तो 50 से 60% कैसे आ गया। दूसरी बात यह भी है कि जब 50% जब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स में कह चुका है कि रिजर्वेशन इज ओनली फॉर द सोशली बैकवर्ड क्लास, और सोशली बैकवर्ड क्लास में सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास भी शामिल है, यानी कि कुछ कम नंबर अगर आए हैं तो फिर वो एजुकेशनली बैकवर्ड है और सोशली बैकवर्ड वो है ही कि जातियों की वजह से, इसलिए उसको आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, बाकी जनरल कैटेगरी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, ऐसा लोगों का तर्क है। तर्क ये भी है कि 50% की कैप बढ़ाई नहीं जा सकती और ये इंदिरा साहनी के जजमेंट का कॉन्ट्रावेंशन है। पहले इन तीनों विषयों पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद इनके बीच में जो ऑनरेबल कोर्ट्स ने अपने जजमेंट देते समय टिप्पणियां की हैं उन टिप्पणियों पर निश्चित रूप से हमको विचार करना ही चाहिए। तो पहला क्लास आया कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन किस लिए, किस आधार पर दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यह कहा कि इंक्लूसिव और अफर्मेटिव, इंक्लूसिव और अफर्मेटिव का मतलब है कि सभी को शामिल करना, और अफर्मेटिव का मतलब है कि नेगेटिव सेंस में रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जा सकता, इसलिए वो पॉजिटिव सेंस में ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है, यानी कि रिस्ट्रिक्टिव रिजर्वेशन नहीं हो सकता, पॉजिटिव रिजर्वेशन हो सकता है। तो पॉजिटिव रिजर्वेशन का मतलब है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसको जो किसी तरह से डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट हुआ उसके जो छूट गया उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब इसमें जो इकोनॉमिक यानी कि पांचों जजेस ने लगभग एक सुर में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन हो सकता है इस पर कोई प्रश्न नहीं उठाया कि भाई एक कैटेगरी ये हो सकती है। जजेस ने उसमें क्लासिफिकेशन की भी बात की और कहा कि दिस इज द रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने तो यहां तक कह दिया कि देखिए इक्वल्स There may not be equal amongst unequals. ये बहुत पुराना जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है जब उसमें
एक ही कैटेगरी के लोग, मतलब एक ही क्लास में पढ़ाने वाले दो टीचर्स की सैलरी कम ज़्यादा होती है, एक ही स्कूल में पढ़ाने वाले दो टीचर्स की सैलरी कम ज़्यादा होती है, एक ही डिजिग्नेशन पाने वाले दो इंजीनियर्स की सैलरी कम ज़्यादा होती है, एक ही डिजिग्नेशन रखने वाले दो लोगों को कम ज़्यादा पैसे मिलते हैं और लाभ हानि मिलता है। उसमें रंजीत सिंह, मुझे लगता है कि जो जजमेंट था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स होती है, इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स नहीं हो सकती। यानी कि दो अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग एक ही क्लास में पढ़ाते हैं तो जिसकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा है, जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसको ज़्यादा सैलरी दी जा सकती है और दूसरे वाले को कम दी जा सकती है, क्योंकि उसके पास क्वालिफिकेशन भी कम है और उसके पास एक्सपीरियंस भी कम है, क्योंकि वो इक्वल नहीं है, दे आर अनइक्वल्स। अनइक्वल्स को इक्वल मत करिए भले ही वो एक ही क्लास में पढ़ाते हो। यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने जो कहा कि इक्वलिटी अमंग इक्वल्स एंड इनइक्वलिटी अनइक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स, इक्वलिटी अमंग अनइक्वल्स में नहीं की जा सकती। तो यहां पर जो 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 ओबीसी रिजर्वेशन की बात आई तो दो क्लासिफिकेशन है, दो क्लासिफिकेशन क्या है, एक ओबीसी का क्लासिफिकेशन है, एससी एसटी का क्लासिफिकेशन है और एक जनरल का क्लासिफिकेशन है। तो जो रिजर्वेशन, जो इक्वलिटी आप रखेंगे वो इक्वलिटी अमंग इक्वल्स में रखिए, यानी कि जब एससी एसटी ओबीसी और जनरल ये चार सेपरेट कैटेगरी हैं तो इनको एक क्राइटेरिया में कैसे रखा जा सकता है, जनरल के लिए जो अपग्रेडेशन 10% रिजर्वेशन की बात कही है वो कैसे आगे आ सकती है। इसलिए जनरल का मतलब वो इक्वल्स हैं, उन इक्वल्स में इक्वलिटी रखिए और उनमें भेदभाव मत करिए, उसमें रिजर्वेशन दीजिए। हालांकि ये इक्वलिटी अमंग इक्वल्स को, इस ये जो वाक्य आया इसका सबसे ज्यादा स्वागत अगर कोई कर रहा है तो हमारे यहां के मुस्लिम स्कॉलर कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स का यह मानना है कि ये जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसका लाभ तो केवल हमको ही मिलेगा, हमको ही मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इसका लाभ जनरल कैटेगरी को नहीं मिलेगा, इसका लाभ तो केवल मुस्लिम्स को ही मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर हैं, क्योंकि उनके एक पिता की 10 संतानें हैं, जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीक हो ही जाएंगे, क्योंकि एक ही घर में 10 लोग पैदा होंगे तो नया जो आएगा वो घर बनाएगा, एक पीढ़ी घर बनाने में, फिर दूसरी पीढ़ी घर बनाने में, हर पीढ़ी घर बनाने में, व्यापार सेट करने में ही लगा देगी, वो अपग्रेड कैसे होगी। इसलिए जो बच्चे ज़्यादा पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसा मानना है उनको इसका लाभ ज़्यादा होगा और हकीकत में ये 10% का लाभ वो ही ले जाएंगे, ऐसा लोगों का मानना है। इसलिए मुस्लिम स्कॉलर्स उसको खुले मन से स्वागत कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन केवल 10% नहीं, और भी बढ़ना चाहिए, हम उसमें आ जाएंगे। एक बात तो ये जो इक्वलिटी अमंग इक्वल्स है, इसका पॉजिटिव पहलू भी है और इसका निगेटिव पहलू भी, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न कोर्ट के सामने ये था कि ओबीसी, मतलब मैंने आंसर तो उसका दे ही दिया है, ओबीसी एससी एसटी को क्या 10% में शामिल करना चाहिए था, तो कोर्ट ने कहा, जो अफर्मेटिव जजमेंट है उसमें उन्होंने कहा कि भाई नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी को अलग क्लासिफिकेशन करके ऑलरेडी लाभ दिया जा रहा है, तो अब जो कैटेगरी बची है, मतलब रिमेनिंग कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में इसको दिया जाना चाहिए। दो जजेस का जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस यू ललित और ऑनरेबल जस्टिस भट्ट, इन दोनों ने इसी ग्राउंड पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है ये अमेंडमेंट। उनका कहना था कि जो रिमेनिंग बचा उसमें आप क्लासिफिकेशन क्यों करे दे रहे हैं, उसमें एससी एसटी ओबीसी को बाहर क्यों किए दे रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी उसमें शामिल होना चाहिए, और चूंकि आपने प्रावधान ऐसा नहीं रखा है कि जनरल कैटेगरी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसमें एससी एसटी ओबीसी का इकोनॉमिक वीकर सेक्शन शामिल है, मेरा मानना है कि चूंकि अमेंडमेंट साइलेंट है इसलिए एससी एसटी ओबीसी उसमें ऑटोमेटिकली शामिल हो जाते हैं। जजमेंट अगर वो अमेंडमेंट ये कहता एक्सेप्ट एससी एसटी ओबीसी तो फिर प्रश्न खड़ा होता, लेकिन कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन जो भी उनके पास गया तो उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा कि चूंकि एससी एसटी ओबीसी के लिए इसमें प्रावधान नहीं किया गया इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तीसरा प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण था वो ये था कि 50% की जो कैप है
नौ जजों की बेंच की है। नौ जजों की बेंच की 50% की कैप होने के बावजूद पांच जजेस उसको कैसे ओवररूल कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये 60% हो सकता है और ये डिफाइनेट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उस प्रश्न पर भी जवाब दिया है जो अफर्मेटिव आंसर आया, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप इंदिरा साहनी का नौ जजेस की बेंच का जजमेंट पढ़ते हैं तो वो आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) और आर्टिकल 16(5) का जजमेंट है जिसको सोशली वीकर सेक्शन के लिए दिया गया था। ये आर्टिकल 16(3) में बच्चे या आर्टिकल 15(3) में बच्चे और महिलाओं के लिए अलग से फैसिलिटी देने का प्रावधान है, तो महिलाओं और बच्चों को आप, वो किसी भी कैटेगरी की महिलाएं बच्चे हैं उनको ऑलरेडी रिजर्वेशन का लाभ दिया जा सकता है। यही कारण है कि महिला रिजर्वेशन दिया जाता है। तो फिर जब उनको लाभ दिया जा सकता है तो 16(4) या 15(4) केवल और केवल सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए है। इसलिए जहां पर सोशली बैकवर्ड क्लास के लिए कैप लगाया गया है, यहां पर कैप ना महिलाओं बच्चों के लिए लगाया गया है और ना ही यहां पर कैप 16(6) के लिए लगाया गया, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट 103वां है ये अमेंडमेंट 15(6) जोड़ता है और 16(6) जोड़ता है, लेकिन ये 15(6) 16(6) जोड़कर 10% की उनकी कैप भी लगाता, जबकि आर्टिकल 15(4) 16(4) कैप की बात ही नहीं करता। वो जजमेंट के माध्यम से कैप आई है 50% की, उसके पीछे आर्टिकल 335 का हवाला दिया गया है और आर्टिकल 335 का हवाला देते हुए कहा गया है कि भाई इफिशियंसी कंट्री की कमजोर नहीं होनी चाहिए। अब जो जजों ने कहा कि वो रिजर्वेशन चूंकि SC ST OBC की कैप लगाई गई है, सोशली बैकवर्ड की कैप लगाई गई है, इसलिए यहां पर वो लागू नहीं होता और ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। सवाल, जैसे मैं कह रहा था कि पहले वाले इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उस पर कोई प्रश्न नहीं है, और आखिरी वाले में जिसमें 50% की कैप का मामला है उसमें कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न है, दो जजेस ने जो हवाला दिया है वो यही दिया है कि आप जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ले रहे थे तो आप बाकी कैटेगरी के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन क्यों नहीं ले रहे। मैं फिर से कह रहा हूं कि जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन लिया है तो उसमें SC ST OBC शामिल है, क्योंकि मुस्लिम भी उसमें शामिल है, मुस्लिम खुशियां मना रहा है, जबकि लिखा तो मुस्लिम भी नहीं था। इसलिए मुझे लगता है कि वो जो दो जजेस का डिसेंडिंग ऑर्डर है उनको डिसेंडिंग करना था, इसलिए हो गया, बाकी कोई ऐसा विशेष ग्राउंड नहीं है। अब ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने एक बात जो कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा भाई आरक्षण का खेल कब तक खेला जाएगा, इसकी कोई लिमिट है क्या, यह क्या इनफाइनेटली टाइम तक यह चलेगा, इस ये देश को कमजोर कर रहा है, इससे देश की इफिशियंसी पर फर्क आ रहा है, यह फॉर एवर नहीं हो सकता, इस पर भी विचार होना चाहिए। साथ में ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी ने यह भी कहा कि ये जो SC ST OBC रिजर्वेशन है ऑलरेडी, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए कि हकीकत में ये उन लोगों को लाभ दे रहा है जो इसके लिए इलिजिबल हैं, या फिर ये उनको लाभ दे रहा है जो इसके लिए इलिजिबल नहीं है। कुल मिलाकर मेरा मानना यह है कि जो 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 एक बार रिजर्वेशन का लाभ ले चुका है उसके बच्चे ऑलरेडी अपग्रेड हो गए, अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे, अच्छी जगह पर रहने लगे, अच्छी सोसाइटी के हो गए, तो उन बच्चों को रिजर्वेशन का लाभ अगर दिया जाएगा तो जो अभी भी बस्ती में रह रहा है, जो अभी भी मलिन बस्ती में रह रहा है, जो अभी भी कहीं नाले के किनारे रह रहा है, वो उससे कंपेयर तो कर ही नहीं सकता। इसलिए अब जो नई कैटेगरी बन रही है, जो वाकई में अब पिछड़े हुए हैं, उनको तो कभी लाभ मिल ही नहीं सकता। इस बात को लेकर लोगों ने प्रश्न उठाना शुरू किया। बहुत सारी पार्टी जो प्रश्न उठा रही हैं वो ये उठा रही हैं कि भाई 8 लाख की आपने कैप लगाई हुई है, 8 लाख के नीचे तो बहुत बड़ी आबादी आ जाती। तो इस पर मेरा अपना तर्क ये है कि ये जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर पर भी 2017 में 2017 में 8 लाख की कैप लगाई गई थी और ये कहा गया था कि जिनके घर में आमदनी 8 लाख रुपए से कम है वो क्रीमी लेयर में नहीं आते, 8 लाख से ऊपर वाले क्रीमी लेयर में आते हैं, और जो रिजर्वेशन का लाभ है उनके बच्चे जिनके बच्चों की जिनके परिवार की आय 8 लाख से कम है वो रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि 8 लाख जिनके लिए के कैटेगरी में कितने बच्चे आते हैं। तो फिर जब जनरलाइज किया जाए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो 8 लाख की कैप एक जगह तो आप कहते हैं 3 लाख लगा दीजिए,
8 लाख की कैप आपने लगाई इसलिए क्योंकि आप सबको जनरलाइज करना चाहते थे, 3 लाख की कैप लगाइए। दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 8 लाख की कैप आपने इसलिए लगाई क्योंकि मुस्लिम बच्चों को आप रोकना चाहते थे, क्योंकि मुस्लिम बच्चे मतलब मुस्लिम परिवार जो है वो 3 लाख 2 लाख 2.5 लाख के 1 लाख के नीचे ही आते हैं, जो इनकम टैक्स नहीं दे रहे हैं वो सारे मुसलमान लगभग इनकम टैक्स से बाहर है, बहुत कम इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े लोग हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। तो फिर इनकम टैक्स के दायरे में जब ये कहा जाए कि इनकम टैक्स के दायरे में जो लोग नहीं आते उनको ही लाभ दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में सारे मुसलमान कवर हो जाएंगे, उनको ही लाभ मिलेगा, बाकी जो उसका उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। तो उनका कहना यह है कि 8 लाख की कैप लगाई है आपने, उसका उद्देश्य यह है कि आप जो जो बहुत वीकर सेक्शन है उससे, जो थोड़ा अपग्रेडेड है उससे आप लड़वाना चाहते हैं, तो हिंदू उसमें आ जाएंगे मुसलमान बाहर हो जाएंगे, ऐसा भी लोगों का तर्क है। मेरा मानना यह है कि अगर कैप लगाई जाए तो दोनों में ही लगाई जानी चाहिए, उनका जो 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 ऑलरेडी अपग्रेडेड वर्जन है यानी कि जो लाभ ले चुका है, क्रीमी लेयर की जो परिभाषा आती है, क्रीमी लेयर में उन लोगों को कवर किया जाना चाहिए जिनकी आय 3 लाख रुपए से कम है, यानी कि चपरासी वर्ग हो सकता है, फोर्थ क्लास कर्मचारी हो सकता है, क्लास 3 कर्मचारी हो सकता है, बाबू हो सकता है, इनके बच्चों को तो कवर किया जाना चाहिए। गस्टेड ऑफिसर जैसे ही शब्द लगता है वैसे उसको बाहर कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे ही वो ग्रेड पा जाता है तो उसको बाहर कर दीजिए, सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला रख लीजिए। आप ये कहिए चपरासी बन गया है तो चपरासी का लाभ अगर उसको एक बार मिल गया है तो उसका बच्चे को लाभ मिलेगा, ये हम 3 लाख 4 लाख रुपए की कैप लगाते हैं। तो फिर सही मायने में जो जस्टिस बीला त्रिवेदी कह रही हैं, वो सही मायने में हम लाभ देने में सफल होंगे और सोसाइटी को बराबर कर लेंगे। उनका कहना था कि ये रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जो कभी भी कास्टिज्म भारत में खत्म नहीं होने देगी। बाबा साहब अंबेडकर कास्टिज्म को खत्म करना चाहते थे, सारा समाज जातिवाद को खत्म करना चाहता है, लेकिन रिजर्वेशन जब तक आप ये रखेंगे तो जातिवाद भारत से कभी खत्म नहीं होगा और भारत ऐसे ही स्ट्रगल करता रहेगा। इसलिए आप इसको रिव्यू करते हुए उन परिवारों को, जिन परिवारों को अभी तक लाभ नहीं मिला है, उनको अपग्रेड करिए और उनको कहीं ना कहीं आप मेन स्ट्रीम में लेकर आइए। मुझे लगता है कि जजमेंटों में जो टिप्पणियां की गई हैं, अभी बहुत सारी टिप्पणियां और निकल कर आएंगी, मैं आपको बताऊंगा कि टिप्पणियां क्या क्या की गई, क्योंकि आप सबको जानना जरूरी है कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर सोच क्या है, कैसे काम चल रहा है और कैसे विचार कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं जो जो टिप्पणियां जितनी ओरल आई थी उस पर, उन टिप्पणियों पर मैं चर्चा कर पाया हूं और आपको बता पाया हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।